आज हम बना रहे हैं ये वाइट मटन स्टू। जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखने में कितना लजीज है। आइए चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं मटन स्टू। उसके लिए हमने लिया है 1/2 kg मटन और 1/2 kg प्याज, और ये हमने लिए हैं थोड़े से गरम मसाले, तेजपात, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, लाल मिर्च और जावित्री, जायफल। ये सब हमें थोड़े से इस क्वांटिटी में मैंने लिया है, आप लोग अपना अपना देख लीजिए। एक पॉट में 3 चम्मच तेल लेना है और उसे अच्छे से गर्म कर लीजिए। मैंने कुकर में लिया है, आप चाहें तो जिसमें ले सकते हैं। इसे अच्छे से गर्म कर लेना है जैसे इसमें से धुआं निकल रहा है, ताकि अच्छे से। मैं इसमें इसी गर्म तेल में सारे गर्म मसाले डालूंगी। साबुत 4-5 लाल मिर्च डाल दी। ये लाल मिर्च हमने बाद में डाली, गरम मसाले के साथ नहीं डाली थी, ये हमने अब डाली। अब हम इसमें नमक डालना है, ये 1 स्पून यानी 1/2 स्पून। ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है, आप जैसे नमक खाते हो आप वैसे डालिए। जैसे कि अब आप देख सकते हैं थोड़ी देर मैंने मटन प्याज के साथ भुना है, दही डालेंगे जो मैंने आपको पहले दिखा दिया है। ये 1 कटोरी दही, ये सब सारा
प्रोसेस हम तेज गैस पे ही करेंगे। अब हमने गैस थोड़ी सी हल्की करी है दही डाल के, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे भूनेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा रंग आया है अब इसमें, और ऐसे ही अभी अच्छा सा भून के बिल्कुल तैयार हो जाएगा जल्दी। जैसे कि अब आप देख सकते हैं ये अभी भी अब मेरी गैस थोड़ी तेज है, लेकिन जब भी हम किसी भी सालन में दही डालते हैं तो हम हमेशा गैस स्लो कर देते हैं, वरना दही फट जाता है। इसीलिए हमने भी स्लो करके डाली। आप भी इस चीज का ध्यान रखिएगा ताकि आपका दही सही रहे और सालन का टेस्ट अच्छा रहे। जैसे कि अब आप देख सकते हैं ये वाइट स्टू बिल्कुल देखिए भुन रहा है, इसमें हल्का हल्का सा ऑयल आता जा रहा है। अब हम इसमें थोड़ी सी अदरक डालेंगे, ये देखिए ये अदरक काट के डाल रहे हैं, ये इतनी सी बस हमने अदरक डाली है, और थोड़ी सी ये हरी मिर्च, अदरक और हरी मिर्च डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर और करेंगे, देखिए आप इससे अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो गई है, बिल्कुल अच्छे से तैयार। अदरक और हरी मिर्च डाल दी है हमने, अब आप इसमें देख लीजिए और लगे।